कई सासों का ना फेवरेट डायलॉग होता है कि बेटियों को देने से बरकत होती है, बेटियों को देने से हमेशा आता है। मैं भी मानती हूँ यार कि बेटियों को हमेशा देना चाहिए, बरकत आती है। बट मुझे ये समझ नहीं आता फिर वही सेम सासे यार अपने ही जो घर की जो बहू है, जो लक्ष्मी है, फिर उसके हाथ में पैसा रखना क्यों भूल जाती है जब वो मायके जाती है, जब वो दीन त्योहार पे जाती है या जब त्योहार आ रहे होते हैं, तब बहू को क्यों नहीं बोला जाता कि बेटा तू भी एक सूट ले ले, अच्छा सा त्योहार आ रहे हैं, तू पुराना कपड़ा मत पहनियो, ठीक है, तू अपने मायके जा रही है, खाली हाथ मत जा। सिर्फ बेटियों को देने से बरकत होती है यार, मजा तो तब आए जो सास बोले बेटियों और बहुओं दोनों को देने से बरकत होती है यार, ठीक है, क्योंकि दोनों घर की लक्ष्मी होती है। बट नहीं, कई सासों को सिर्फ यही होता है कि भैया हमारी बेटी खाली हाथ ना जाए, ठीक है, तो वो फिर बोलती है कि नहीं बेटियों को देने से तो और मिलता है, तो बहुओं को देने से नहीं मिलता है, वो भी तो घर की लक्ष्मी है, वो भी जब परेशान होगी रोएगी तो लक्ष्मी नहीं आएगी ना, जाएगी। बट कहीं सासे नहीं बोलती कि बेटा तू भी अपने हाथ में पैसे पकड़, खाली हाथ मत जा।